25 देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आकृति में एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है और विकर्ण एडी का मध्य बिंदु, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु है ना ई है, एसी का मध्य बिंदु ई है, यानी कि ये इसके बराबर है। तो इसी से आपको कंक्लूजन मिल गया, अब आप बना सकते हैं। ठीक है, साबित करना है कि एरिया ऑफ ए बी ई डी है ना बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी सी डी ई। चलिए बहुत इजी है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये नहीं कह रहा कैसा चतुर्भुज है, सिर्फ कह रहा है कि चतुर्भुज है। ठीक है, तो इससे कोई खास मतलब नहीं है। अब क्या कह रहा है कि ए सी है ना, ए सी का मध्य बिंदु ई है, या कह सकते हैं ऐसे भी कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये भी कह सकते थे। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ है ना क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज ए बी ई डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बी सी डी ई। ठीक है, इसको साबित करते हैं। तो इसका प्रमाण देखिए बहुत इजी होगा। यहाँ देख रहे हैं कि AC का मध्य बिंदु कौन है, ई है। AC का मध्य बिंदु क्या है, ई है यहाँ पे। तो जब मध्य बिंदु है यानी कि ये AE बराबर है CE, यहाँ लिख सकते हैं कि AE बराबर है CE, देख लीजिए AE बराबर है CE। तो यहाँ कह सकते हैं कि DE त्रिभुज ADC की माध्यिका होगी, यहाँ लिख सकते हैं कि DE, इसलिए DE त्रिभुज ADC की माध्यिका होगी, माध्यिका समझ रहे ना, माध्यिका है या माध्यिका है, समझ गए ना। चलिए समझ गए, अब जब ये माध्यिका है तो यहां से ये हो सकता है कि इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, समीकरण एक मान लीजिए DCE और ADE बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा आप ये भी जानते हैं, क्योंकि ये माध्यिका इसे दो बराबर भागों में बांट देती है समान क्षेत्रफल में। इसी प्रकार जब देख रहे हैं कि AE जो है CE के बराबर है, तो ये भी ABC की माध्यिका हो जाएगी BE, तो BE त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है, चलिए ये माध्यिका है। अच्छा, जब ये माध्यिका है तो इसका भी क्षेत्रफल, ये भी दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करेगी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE हो जाएगा। चलिए इसको समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। चलिए, तो समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। ठीक है, दोनों को जोड़ें तो देखिए ADE ये वाला और ABE ये वाला, तो ये ABED नहीं हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा ABED। अच्छा, इधर देखिए DCE ये वाला और BCE ये वाला, तो ये दोनों मिलके नहीं हो जाएगा, ये वाला BCDE एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCDE, समझ गए, तो ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए ना। चलिए समझ गए इसको, क्वेश्चन नंबर